गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अफजल और आप देख रहे हैं गेमर मोहम्मद अफजल का चैनल। आज मैं जो हूँ एक अपने सेटअप की वीडियो बनाने लगा हूँ, गेमिंग सेटअप जो है जिसपे मैं सारी गेम्स और ये सब बनाता हूँ। सो आज हम लोग बहुत सारा मज़ा करने वाले हैं। मैं आपको अपना वो लो एंड पीसी दिखाऊंगा। लो एंड पीसी का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन अब ये लो एंड पीसी नहीं रहा, इसको मैंने थोड़ा सा अपग्रेड करवा लिया। सो अब इसको 4 GB रैम इसमें डल चुकी है। तो अब आपने देखा होगा माइनक्राफ्ट की वीडियोस भी मैं लगा रहा हूँ और सही तेज चलता है, थोड़े ग्राफिक्स लो हैं लेकिन कोई बात नहीं। तो चलिए अब मैं अपनी ये वीडियो मतलब गेमिंग सेटअप की शुरू करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे मेरी कीमती चीज़ है ना, जिसके बगैर मैं बना ही नहीं सकता, वो है चीज़, ये है मेरी वॉच। इसमें आप अभी अगर देखें तो टाइम चल रहा होगा। अभी मैं आपको कैसे अपना बाजू मोड़ के दिखाऊं, ये देखें टाइम इसमें अभी भी मतलब भी चल रहा है कि इस वीडियो को कितने मिनट हो गए। इसने मेरा बहुत साथ दिया है, क्योंकि ये वीडियो बनानी होती है ना तो फिर टाइम का पता नहीं चलता कि कितना वक्त हो गया वीडियो को, तो इसलिए मेरी ये इस चीज़ में हेल्प करता है। सेकेंडली, एक और बड़ी मस्त चीज़ है। वैसे तो भी जैसे मैंने भी ये वो चीज़ ये है मेरे ग्लासेस, तो इनको अभी पहन ही लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आप बताएं कैसा लग रहा हूँ, कमेंट्स में लिखिएगा। इस ये थोड़ी मेरी आई साइट थोड़ी सी वीक है ना, इसलिए गेम खेलते वक्त मैं ये ग्लासेस लगा लेता हूँ ताकि आसानी हो मुझे। तो सेकेंडली जो चीज़ आती है वो है अब जो मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ क्या, सोचे नहीं, बस अब इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात आ जाती है मेरे लैपटॉप की। ये है मेरा लैपटॉप, ये वाला, नजर आ रहा है यानी, हाँ ये एस्प्राइन 5732Z, ये एसर कंपनी का है। बहुत मज़ा आता है, ये स्टिकर ये मैंने अपनी तरफ से लगाया था। वैसे इस गेम इस लैपटॉप पे अब गेम खेलने का मज़ा ही कोई और, जैसे आप वो देखें अभी वो ये वाला GTA San Andreas, सुपर काओ, मिल्की बियर वाला एक है, माइनक्राफ्ट, बहुत मज़ा आता है। और ये जो है ना बिल्कुल वायरलेस लग रही है, ये अभी एक वायर बार आई हुई है ये वाली, तो ये जो है ना वेब कैम की, ये पीछे चली जाती है, मैं वेब कैम से इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ तो वेब कैम नहीं दिखा सकूँगा। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का है। सो अब बात आ जाती है एक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, वो है ये, दीज आर माई टैब्स। ये जो दोनों हैं ये मेरे टैबलेट हैं, ये मतलब अपने चैनल की रेटिंग देखने के लिए ये हर वक्त इस्तेमाल करता हूँ। अभी तो ये वाले कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी तो अभी बैटरी भी नहीं है, आराम से चार्ज हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। सो इन दोनों को मैं वापस अपनी जिस जगह पर रख देता हूँ। और ये है मेरा फैन, गर्मियों में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत अच्छा फ़ैन है। इस टेबल पे जो कुछ पड़ा हुआ है सब कुछ मेरे काम का, ये जो भी कुछ है ना सब। बात आती है इस बॉक्स की, इस बॉक्स को मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, अंदर अपनी कुछ मेन चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे कि ये हो गई कैमरा स्टिक है ये, और ये मेरी USB है। अब मैं एक हाथ से
सही कर पा रहा नहीं हूँ। एक मिनट, दोनों हाथों की जान लगाते। हाँ, सो ये इसकी गर्दन अलग हो गई और अंदर ऐसी दो चार वायर्स हैं। सो अभी मैं इनको यहाँ रखता हूँ और अपने स्टैंड को भी यहाँ। फिर बात आ जाती है मेरे माउस की। ये वाला मेरा, ये मेरा माउस है, पेट नजर इसकी। ये वाला बहुत अच्छा माउस है, केंसिंगटन कंपनी का है। ये वो बॉल वाला माउस है, इससे माइनक्राफ्ट खेलने में बहुत आसानी हो जाती है। ये दो इसके क्लिक से ऐसे करके ना बहुत मजा आता है। और अब बात आती है मेरे कीबोर्ड की। सो ये है मेरा कीबोर्ड, ये एप्पल कंपनी का है। इधर ये देख सकते हैं विंडो वाले बटन पे एप्पल का निशान भी है। दो वायर्स इसमें डली हुई है, उधर से मेरे लैपटॉप में वो जो व्हाइट कलर की वायर है वो इसी कीबोर्ड की, और ब्लैक कलर की वेबकैम की। और इसके अंदर जो ब्लैक लगी हुई है ये मेरे इस माउस की है। सो ये पूरा मेरा गेमिंग सेटअप है। अभी अगर मैं आपको पीछे के थोड़ा दिखाऊं तो ये अंदर और ये ऐसे बाहर आ सकता है। और यहाँ साइड पे एक ये स्टैंड है, इसमें मैं अपने कुछ गेम्स की वो मतलब सीरीज रखता हूँ। एक ये स्टैंड है, इसमें भी मेरे बहुत सारे गेम्स पड़े हुए हैं। सो ये पूरा मेरा गेमिंग सेटअप है। तो अब मैं थोड़ा पीछे जाके ये दिखाता हूँ। ये है मेरे मतलब पूरा टेबल। और अब बात आ जाती है मेरी गेमिंग चेयर की। गेमिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन इस चेयर पे मुझे बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, और वो है ये। इस पे ये इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ना इस ये बहुत सॉफ्ट है, मजा बहुत आता है इस पे बैठ के। तो ये पूरा मेरा गेमिंग सेटअप है। बाकी का मैं आपको रूम नहीं दिखा सकता क्योंकि ये मेरा कोई अपना, जैसे होता है ना लोगों को अपना जाती रूम, ये वो नहीं है। ये दरअसल ये हमारे घर का ड्राइंग रूम है जहां ये मेरी पूरी ट्रॉली पड़ी हुई है, इसलिए मैं आपको बाकी रूम नहीं दिखा सकता। ये देखें, ये वॉल पे भी ना मेरा फेवरेट कलर हुआ हुआ है, ये जैसे ये जो बीच में कलरफुल है ना, और सारी वॉल्स पे ऐसे ही है। और ये ऊपर दो वाज रखे हुए हैं। सो ये पूरा मेरा सेटअप था। सो प्लीज कमेंट में आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आगे भी मैं ये बहुत अपग्रेड करूँगा। जैसे अब माइनक्राफ्ट हम लोग थोड़ी लो जैसे खेलने स्पीड में, लो पावर में, लो ग्राफिक्स में, तो अभी इसको अपग्रेड करा करा के ऐसा हो जाएगा कि इसमें माइनक्राफ्ट सही स्पीड में चलेगा हाई ग्राफिक्स के साथ। और एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई, ये यहाँ से ये मेरी मेन पावर की एक्सटेंशन आ रही है। यहाँ मैंने एक एक्सटेंशन लगाई हुई है जिसमें भी खाली एक है मेरे चार्जर की, मतलब ये अडॉप्टर जो है इस लैपटॉप का, इसकी तार है, और बाद में तो फैन की भी लगेगी कुछ अर्से के बाद। सो इस सब में बहुत मजे की फीलिंग आती है खेलने में, सच में मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत मजा आता है। बाल तो खराब नहीं हुए ना मेरे? हाँ भाई, और यही है बस मेरा सब कुछ, जैसे सारा मतलब गेमिंग सेटअप यहीं पे, मतलब सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई। अभी कुछ अरसे के बाद मैं एक फ़ैन भी लूँगा, वो जो लैपटॉप्स के नीचे रखते हैं ना फ़ैन, सो फिर लैपटॉप गर्म नहीं होता कभी कभार। मेरा अभी आज तक ज़िंदगी में कभी मेरा ये लैपटॉप गर्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रख लेना चाहिए, सही होता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही।
एक मैं जरा स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ अपना, ये लवली सा चश्मा उतार के जरा देखते हैं। हो गई मेरा स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अब मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ।